खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे फिर से नए ब्लॉग में। तो आज हम आप लोग को एक नया टूर पे लेके जा रहे हैं, मोटो ब्लॉग भी कर रहे हैं। आज हम लोग बौद्ध प्लेस में जा रहे हैं जो बौद्ध गया में उपस्थित है। आप वहाँ बौद्ध प्लेस का नज़ारा देखोगे ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि बौद्ध प्लेस का नज़ारा ही कुछ और है। जैसे मैं बुद्धा रिसोर्ट में गया था, वहाँ का नज़ारा दिखाया था, उससे बेहतरीन और बहुत ज़्यादा मस्त है बौद्ध प्लेस। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। तब तक ले देखिए, यहाँ पे मोटो ब्लॉग में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं मोटो ब्लॉग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले पा रहा हूँ कि मोटो ब्लॉग कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर से निकल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम बौद्ध प्लेस के पास पहुंच चुके हैं। ये है बौद्ध प्लेस, जैसा कि तीन चार आदमी यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे ब्रायन बाइक लगाए हैं। अब उसके अंदर हम लोग जाएंगे और अंदर का सीन दिखाएंगे। ये देखिए, बाहर का नज़ारा देखने में कुछ कितना मस्त लगता है। आसपास मीटर अगल बगल में रोड है और देखिए यहाँ पर कुछ महल जैसा लगता है, और ऐसा लग रहा है कि ये पुराना ज़माना का ये राजा का महल है। तो दोस्तों, हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे गार्ड साहब हैं। तो यहीं आज हम लोग का रहना है। देखिए अंदर का व्यूज़, गार्ड साहब रहते हैं कि जब भी कोई आदमी यहाँ पे आता है तो इनका एंट्री लिया जाता है। तो आज मेरा पूरा दिन आज बौद्ध प्लेस में ही जाने वाला है, क्योंकि आज यहाँ ब्रायन के साथ आए हैं और ब्रायन का यहाँ पर लिफ्ट का काम चल रहा है। तो यहाँ से ब्रायन अंदर के लिए और निकल रहे हैं। देखिए बाहर का व्यूज है कितना अच्छा है। हम अभी आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के अंदर जाके, और फिर बाहर का व्यूज़। देखिए यहाँ से ब्रायन अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं लिफ्ट का। ये देखिए यहाँ ना कितना महंगा महंगा पेंटिंग है। इस जगह का नाम है बौद्ध प्लेस, ये बौद्ध गया के बहुत ज़्यादा नज़दीक में ही है। देखिए कितना महंगा, इसमें इस होटल में ना वो डॉक्टर, टीचर और जो टूरिस्ट होते हैं वो रहने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे ना, हर जगह पे पेंटिंग लगा होता है। देखिए यहाँ पे हर होटल के रूम के पास एक पेंटिंग जरूर लगा रहता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए ब्रायन आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ पर तो मैं एक और भुला भी गया था रूम में इतना गया है, भूल रही है जैसा लगता है ये। तो यहाँ पे तो लिफ्ट का काम चल रहा है ब्रायन का, तो वही चेक वेक कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ना खूबसूरत पेंटिंग लगता है। देखिए ये बुद्ध भगवान का पेंटिंग। देखिए ब्रायन यहाँ पर काम स्टार्ट कर लिए अपना। ये कितना डरावना लगता है यार, बहुत डर लगता है। ये देखिए यहाँ पे बौद्ध प्लेस में कुछ बाहर गाड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैं बैठ के पोज देने लगा, तो पोज के साथ साथ वीडियो बन गया। ये देखिए बाहर का व्यूज कितना मस्त है, बहुत ज़्यादा शांति एरिया है ये, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये देखिए बहुत लंबा में फैला हुआ है ये। Oh.
वाह, एक नंबर साइकिल है। वीडियो लेना मना है? कायदा है कहाँ लिखा है? नहीं नहीं वीडियो करेंगे, वायरल करेंगे, ये करना होगा। कर बस दी, वो बंद कर तो इससे भी वीडियो बना।